संयुक्त किसान मंच के बैनर तले हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों ने सचिवालय की तरफ कूच किया और राजधानी में नवबहार चौक से छोटा शिमला तक आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी किसानों बागवानों का समर्थन देने भारी संख्या में पहुंचे। सचिवालय के बाहर पुलिस जवानों ने बैरिगेट्स लगाकर भीड़ को रोका। इस दौरान किसानों बागवानों ने बैरिगेट्स अफानने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया। इस अवसर पर संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने कहा कि किसान बागवान फलों की पैकेजिंग पर जीएसटी खत्म करने, कश्मीर की तर्ज पर एमआईएस के तहत सेब खरीद करने और सेब पर आयात शुल्क 100% करने की मांग कर रहे हैं। बागवान 6% जीएसटी छूट की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने की भी मांग कर रहे हैं। ऐसा है, संयुक्त किसान मंच पिछले 1.5 वर्ष से जो है अपनी बात रखता रहा है, सरकार के पास मांग करता रहा है और सरकार ने जो है उसकी अनदेखी की है पिछले 1 वर्ष से। और जब रोरू और ठियोग में बड़े आंदोलन हुए उसके बाद सरकार थोड़ी जागी। 28 तारीख को जो है मुख्यमंत्री मोदी ने एक बैठक ली अधिकारियों के साथ और उसमें जो है 4-5 चीजों की घोषणा मात्र की है अभी तक सरकार ने, लेकिन अभी तक कोई उस पे जमीन पे कहीं नहीं उतरी। किसान बागवान जो है 15 सूत्रीय मांग पत्र हमारा अभी भी खड़ा है और उस मांग पत्र को मनवाने के लिए जो है आज हम मार्च कर चुके हैं। और एक किसान आंदोलन की आपके चैनल्स के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, बड़ी खासियत है कि सभी किसी भी राजनीतिक दल से मैं आस्था रखने वाले बागवान जो है एक प्लेटफॉर्म के नीचे अपनी रोजी रोटी के लिए आज यहाँ उतरे हैं, जो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी एक सीख है कि देखिए किसान बागवान जब उतरता है तो अपने सारी राजनीति छोड़कर अपने हक के लिए लड़ सकता है। वहीं इस रैली में आम आदमी पार्टी के किसान विंग के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह नौटी की अध्यक्षता में आप कार्यकर्ता भी किसानों को समर्थन देने पहुंचे। आप कार्यकर्ता बिना टोपी और पट्टे के किसानों को समर्थन देने पहुंचे। आज हिमाचल प्रदेश में 5 अगस्त का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान पूरी दृढ़ता के साथ अपने अन्याय के खिलाफ और अपने हकों की आवाज के लिए मैदान में उतरे हैं और अपने हक की प्राप्ति के लिए आज एक ऐतिहासिक संघर्ष होने जा रहा है। बहुत लंबे समय से बहुत अन्याय केंद्र और प्रदेश की सरकारें हिमाचल प्रदेश के बागवानों और किसानों के साथ कर रही थी, उसके प्रतिकार के रूप में आज सभी एकजुट होकर यहाँ पहुँचे हैं और इसके बाद सचिवालय तक सभी प्रदर्शन करेंगे, मार्च करेंगे और जब तक न्याय की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक किसानों बागवानों की समस्याओं के प्रति ये सरकार सोई रहेगी, जो भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सरकार है वो अपनी नीतियों को केंद्र से लेकर प्रदेश तक नहीं बदलती, क्योंकि किसानों को पहले भी 2 इंजन की सरकार कह के गुमराह किया गया। आज अगर जीएसटी की बात है तो प्रदेश सरकार के पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि केंद्र में भी वही डबल इंजन की सरकार है। किसानों को आयात शुल्क डबल करने की बात पालमपुर और सोलन में खुद इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी, उसका आज तक कुछ भी पालन नहीं हो पाया। जो भी भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कहा, वो चाहे किसानों की आय दुगना करने की बात हो, वो चाहे किसानों को कोई और लाभ देने की बात हो, लाभ देने की बजाय किसानों की जो गर्दन है उसको पकड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सरकारों ने किया। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।